वेलकम बैक नाजीन। डॉक्टर हसीब नवाज़ ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और मैडम फिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम डॉक्टर हसीब नवाज़ ख़ान के ज़िंदगी के बारे में इनसे कुछ पूछना समझते हैं कि पैगाम वेलफेयर के अंदर डॉक्टर हसीब नवाज़ ख़ान जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी, आपकी, डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? नासिर भाई, असल में शुरू से ही बचपन से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने और खिदमत करें। फिर इस दौरान मेरे वाले साहब को ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो सरकारी अस्पतालों में आना जाना रहा, जिन अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट होता था। तो जब लोगों की हालत इजार देखी, लोगों को तकलीफ में देखा, तो एक दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी तरह से डॉक्टर बन के खिदमत की जाए, सरकारी हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर। फिर मेहनत की, सेंट पैट्स सेंटर किया, मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध मेडिकल कॉलेज में मैं आया, और फिर सिंध मेडिकल कॉलेज से ही मैंने पास आउट हुआ। तो इस दौरान, तालीम के दौरान, वार्ड्स का एक्सपोजर का एक्सपीरियंस हुआ, अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ बैठने का, सीखने का एक्सपीरियंस हुआ। तो वो एक शौक डेवलप हुआ कि किसी तरीके से भी मदद करें, छोटे छोटे अपने सतह पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेलफेयर के जो जहन के अंदर जरासीम आते हैं, ये हर एक के अंदर नहीं होते, ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो वेलफेयर की तरफ नासिर भाई, जाते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये तो बड़ा खूबसूरत शेर है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए क्या कीजिए। तो हम चूंकि जीरो एंगल पे देख रहे होते हैं लोगों की मजबूरियों को, और हमारी कोशिश होती है, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के बारे में तो कहूँगा कि वो बहुत करते हैं अपने तरफ से, ना अपने पास से दवाइयाँ मंगा के देते हैं अपने पास से, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक जज्बा होता है उनके अंदर काम करने का, और मोहब्बत एक डेवलप हो जाती है पेशेंट्स के साथ। तो ये एहसास अल्लाह की तरफ से होता है, और फिर ये एक बढ़ते बढ़ते अगर उनके साथ अच्छे लोग मिल जाएं, टीम बन जाए, तो फिर एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे पैगाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी। मैडम का जज्बा देखा, मैडम की देखा, इनकी एम्बुलेंसेज मूव कर रही हैं, लोगों को उठा रही हैं, अस्पताल पहुँचा रही हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है, इंडिविजुअली कोई वो नहीं होता, और अल्लाह ताला की तरफ से होता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे एक सवाल करता चलूँ जो मेरे जहन में आ रहा था। यहाँ पे देखा गया है कि 90% जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कराची के अंदर, ये कभी भी एक्सीडेंट केसेस को या किसी को ट्रीटमेंट देने से कासिर रहते हैं, ये किसी को फर्स्ट एड नहीं देते और कहते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ले जाएं। जी, असल में बात यह है कि कोई मेडिकल लीगल मसले होते हैं, पुलिस के मामला होते हैं, लेकिन मेरा अपना ये राय है कि कम से कम फर्स्ट एड जरूर दें उसे, कि अगर उसको कहीं कोई जख्म आया तो उसको बैंडेज करके उसको रेफर कर दें किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ताकि उसकी मेडिको लीगो प्रॉब्लम जो हैं वो। अच्छा, आप देख रहे हैं, आपके सामने हालात क्या रहे पिछले दिनों में, और हमारे जो मसाइल शहर के मसले मसाइल जो थे सबकी, मतलब सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो खास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जब कोई गनशॉट आता है या कोई आता है, बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसा हुआ, गनशॉट के केसेस गए तो उनके मालिकान के ऊपर बड़े बड़े केसेस बने, तो इस वजह से डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कि फर्स्ट एड दे के वो उसको रवाना कर दें, और उसमें लिख देंगे हमारा केस नहीं है, रेफर टू अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, रेफर टू जिना हॉस्पिटल, रेफर टू। लेकिन डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट एड तो देना दूर की बात है, ये तो हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल नहीं होने देते। सर, उसकी वजह हरासमेंट है ना, निजी अस्पताल डरते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल केस ना हो, कोई दहशतगर्द ना हो, कोई टेररिस्ट ना हो, ये एक रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपसे, आपने कहा कि जब आपने स्टूडेंट लाइफ को स्टार्ट किया, स्टूडेंट लाइफ के बाद आपकी पहली जॉब जो थी, पहली हाउस जॉब या जॉब? हाउस जॉब मेरी हुई कैजुअल्टी में, डॉक्टर सीमी जमाली। एक्चुअली मेरी हाउस जॉब रोटेशन पे थी, डेढ़ महीना कैजुअल्टी में रहा, डेढ़ महीना ऑर्थोपेडिक वार्ड 17 में, फिर 3 मंथ्स फिक्स में सर्जिकल वार्ड 20C। कैप्टन रशीद चौधरी साहब थे, बड़े सख्त हमारे प्रोफेसर होते थे, अभी भी उनका नाम सुन के थोड़ी सी कपकपी, बहुत सख्त डांटने वाले, और उन्हीं की वजह से जो थोड़ा बहुत सीख लिया, वरना शायद हाउस जॉब में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर मेडिसिन में चले गए, मेडिसिन आईसीयू में गया डेढ़ महीना, डॉक्टर नदीम रिजवी साहब के वार्ड चेस्ट मेडिसिन में रहा,
नदीम भाई बड़े हैं हमारे, बड़ा कुछ सीखने को मिला, बहुत बड़ा नाम है चेस्ट मेडिसिन के हवाले से। फिर फिक्स 3 मंथ्स हमारे यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रोटेशन भी लें या फिक्स लें। तो मोस्टली लड़के रोटेशन भी लेते हैं ताकि वो क्लिनिकल साइड पे उनको आसानी रहे। फिर एक्टिविटीज़ भी रही हस्पताल में, जिना की क्रिकेट टीम, सिंध मेडिकल कॉलेज की क्रिकेट टीम का मैं मेंबर भी था, और माशाल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सिंध मेडिकल कॉलेज की टीम इंटर यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल में पहुंची। तो ये तो रहता है सिलसिला अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी जो अपनी जो लाइफ थी जी। उसके अंदर कभी आपने पहले सोचा था कि आपने एनजीओ ज्वाइन करेंगे और आवाम की खिदमत के लिए सर अपना बिल्कुल दिल खोल बिल्कुल के बिल्कुल आवाम के लिए बिल्कुल शुरू रहेंगे? से छोटे सतह पे, अपने इलाके की सतह पे क्रिकेट क्लब्स अच्छा, होते ये थे। ऐसा ये जो है ऐसी फीलिंग होती है इंसान को वेलफेयर के तरफ जो माइल करती है, या कि आदमी बाय बर्थ? सर इसमें दो चीजें हैं जो मेरा अपना जाती ख्याल है, एक तो बाय बर्थ होता है, एक मुख्तलिफ हादसात होते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता आपके बच्चे का किसी मौजी मर्ज में इंतकाल हो गया, एक फीलिंग्स होते हैं कि आपके वालिद साहब से आपको बहुत प्यार था, वो चले गए। बड़े बड़े लोगों ने, हम नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोगों ने अपने घर के लोगों के नाम पे बड़े बड़े अस्पताल बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो उनके क्या फीलिंग्स थे वो शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन बहरहाल एक चीज़ आती है, हर इंसान कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए ज़रूर सोचता है, बेहतरी के लिए ज़रूर सोचता है, तो ये एक अल्लाह की तरफ से उस इंसान को एक आती है चीज़, तो वो करता है, वेलफेयर करता है। अच्छा अब डॉक्टर बैंडम साहब, की मिसाल मैं देता हूँ, पैगाम वेलफेयर की मिसाल देता हूँ कि पैगाम वेलफेयर एसोसिएशन, इनके अपने बच्चे हैं, इनके अपने घर वाले हैं, इनके शौहर हैं माशाल्लाह। ये बड़ी जिम्मेदारी है एक औरत के लिए कि अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आके टाइम दे एक इदारे को और उसको चलाए और दूसरों के मसाइल हल करने की कोशिश करे। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इनके पास हर तरह के लोग आते हैं, खवातीन अपने मसाइल लेके आती हैं, मरीज आते हैं, समाजी सियासी नौयत के मसाइल आते हैं, वो सब भी डील अच्छा करते हैं। मैडम फिजा, ये बताएं कि आप औरतों के लिए भी कुछ काम कर रही हैं या कि सिर्फ? नहीं, मेरा काम ज़्यादातर ख़वातीन के हवाले से ही हुआ है और शुरू से मैंने ख़वातीन के लिए काम किया है। इसी तरह की बच्चियाँ और जो मतलब ख़वातीन जो मत मेरे पास आती हैं अपने मसले मसाइल लेके, उन्हें मैं बिल्कुल हल करने की कोशिश करती हूँ। किसी के लीगल मसाइल होते हैं, हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिए, बच्चे अपने पास रख लिए, बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो वो मैंने मसले हल करवाए ख़वातीन के। और इसके अलावा ये किसी की शादियाँ हैं और शादी के लिए वो बेचारे परेशान हैं, किसी के हस्बैंड हैं हीरोइन पीते हैं और वो बेचारे घरों में मार धाड़ करते हैं उनके साथ, तो इस तरह ज्यादतियाँ होती हैं ख़वातीनों के साथ और उनको मैं देखती हूँ। और इस तरह से मेरे साथ मेरे वकील भी होते हैं जो जिनका नाम एडवोकेट फेस साहब हैं, जो कि मेरे लॉयर भी हैं, तो लीगल एडवाइज़र के, तो मैं इस तरह के उनके मुफ्त उनको मशवरे भी देती हूँ, करवाती हूँ, उनके मसले हल भी करवाती हूँ। तो इस तरह की ख़वातीन के हवाले से मैं अच्छा बहुत डॉक्टर काम साहब, किया है। ये बताएं कि जी जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर अवेयरनेस की तो बहुत फुकदान है, बच्चों की शादियां करते हुए हम लोग बिल्कुल सोचते नहीं हैं, चंद चंद ऐसी चीज़ें बताएं कि जो लोगों को अवेयरनेस हो और वो जनाब यदि थैलेसीमिया वगैरह की तरफ जो देखिए, बढ़ मैं तो जाते, आपको दोनों तो पॉइंट ऑफ इस व्यू से पे भी बताऊंगा, समाजी लिहाज से भी और अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समाजी लिहाज से ये है कि आप बेजोड़ शादी ना करें। हमारे यहाँ मोस्टली 60 साल का आदमी है, उसकी 20 साल की लड़की से शादी हो जाती है, नेचुरली वो एक कॉम्प्लिकेशन आती है। फिर कज़न मैरिज का रिवाज बहुत ज़्यादा है, कज़न मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, थैलेसीमिया ये वो बीमारियाँ, और कम से कम अब वो दौर नहीं रहा कि जी अच्छा आपने कज़न मैरिज जैसा कि आपने कहा, तो कज़न मैरिज के लिए क्या करना चाहिए आवाम को, आप थोड़ा सा ब्रीफ नहीं, करें? आप कम से कम शादी से पहले अगर इनकेस मंगनी हो गई सपोज, तो दोनों क्या आप कंप्लीट मेडिकल प्रोफाइल बनवाएं, उनके कंप्लीट टेस्ट करवाएं सारे, ताकि अगर उनसे कोई डिजीज उनके औलाद में ट्रांसमिट हो सकती है तो वो ना हो, ठीक है। थर्डली ये कि अब देखें हम वो दौर में नहीं रहे कि हमारे आपके दौर में तो होता था कि जी अब घूंघट खोला तो पहली सही दफा बीवी को देखा, जी पहली दफा शौहर को हाँ देखा, जी लेकिन अब वो जमाना बदल गया है, अब नेट के जरिए हर चीज पॉसिबल है, मोबाइल के जरिए। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन जरूरी है, मियाँ बीवी की जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है उनका एक थोड़ा सा एक पास्ट एक रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ हो, कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जब मोहब्बत होती है ना तो लव 100% होता है, जब शादी होती है तो लव 50% हो जाता है, जब बच्चे होते हैं तो 25% होता है, जब उनके बच्चे होते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये अरेंज मैरिज की और इस तरह की चीज़ें जो है ना उसके रिजल्ट हैं सारे के सारे। आई थिंक देर शुड बी सम कम्युनिकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसा कि आपने कहा कि कज़न वगैरह के साथ मैरिज करते हुए, तो हमारी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती कि ये जो है ना कुछ मेडिकल्स के जो है ना टेस्ट कुछ बिल्कुल जो है ना ये सर, कंपलसरी हो, जी ये बिल्कुल आपके निकाहनामा के बिल्कुल अंदर सर। जो है इस ना पे शामिल ना होना सर, भाई चाहिए? एक मैं वाकया बताऊँ, हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी हुई एक अमेरिकन नेशनल लड़की से ना, तो वो हमारी तरह के थे, हमारा जो कल्चर है जैसे, तो जब यहाँ आई तो उसने कहा लेट्स गो फॉर अ टेस्ट ऑफ HIV हेपेटाइटिस। तो वो नाराज हो गए कि यार ये मेरा टेस्ट क्यों करा रही है, तो उसने बोला इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी आई विल गो फॉर यू एंड डू द टेस्ट। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि शी इज गोइंग टू बिकम अ प्रेगनेंट वुमेन, तो वो चीज़ उसमें ना आ जाए बच्चे में, तो इसमें कोई शर्म नहीं है अगर हम टेस्ट करा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहाँ 45 के बाद हर बंदे का BP चेक किया जाए, उसकी डायबिटीज चेक की जाए, डायबिटीज में HbA1c किया जाए, जो 6 months की रेशियो होती है शुगर की वो देखी जाए। ये एक चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, आती हैं चीजें, जोड़ों का दर्द, बुरबुरा पानी, एजिंग की एक चीज़ है। कम से कम ऐसे इदारे होना चाहिए कि ताकि हम उनको बचा सके। अगर आईसाइट वीक हो रही है तो हम उसके ग्लासेस लगा लें ताकि नीचे ना जाए, अगर ब्लड प्रेशर है तो हम उसको कंट्रोल कर लें, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ना चला जाए कहीं। ये चीजें ये होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस देखें हमारे एजुकेशन सेक्टर में तो हुकूमत को बहुत कुछ चाहिए कि अगर हम बेसिकली जो पहली क्लास से लेके छठी सातवीं मैट्रिक तक के बच्चे को अगर हम एजुकेट करना चाहें इन चीज़ों से के हवाले से कि कज़न मैरिज के अंदर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतर एक माशरा बना बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल लेकिन हमारे एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे ये सर, लोग? उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि बेसिकली हमारा मुल्क जो है ना, उसमें हमारे अर्बन एरियाज में तो कुछ अवेयरनेस है, लेकिन रूरल एरियाज में आप यकीन करें, मैंने बहुत काम किया है सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, वहाँ हज़ारा में, कश्मीर में, वहाँ बिल्कुल इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बिलीव करें बिल्कुल नहीं है। और जो वहाँ NGOs वगैरह काम कर रही हैं उन्होंने भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं किया है। हमें सबसे पहले उन लोगों में और बेसिक जो गोट होता है या गांव होता है या देहात होता है, उसकी दो चीज़ें बुनियादी होती हैं, एक वहाँ का मदरसा और मस्जिद और एक वहाँ का स्कूल। कम से कम इस सतह पे हम मस्जिद के इमाम साहब से मिलके बोलेंगे जी आप एक थोड़ा सा छोटा सा इस तरह से ये एक बीमारियों के हवाले से बताएं, अवेयरनेस अवेयरनेस के दें, या स्कूल में जो टीचर होता है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, उसको बोलेंगे जी आप इतनी सारी तालीमात दे रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा 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 करके बच्चों को बताएं, ताकि उनको पता हो कि इन चीज़ों से हमें ये नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों से हमें ये फायदा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर डाइट साहब, डाइट पे नहीं है सर, ना सिर्फ डाइट का कोई इश्यू नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ देखिए शहर में अर्बन में जहाँ इतनी मसरूफ लाइफ है, इतने कारोबारी लोग रहते हैं, उनका डाइट का कोई चार्ट ही नहीं है। सुबह का नाश्ता किया है तो दोपहर का ये खाना नहीं अलमी है, ये दोपहर का बहुत खाना बड़ा है तो रात अलमी का है। खाना, स्लीप नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। जब आप अनडिस्टर्ब लाइफ होगी तो नेचुरली बीमारियां तो आएंगी ना, ये ये ऐसा बात होता है कोलैप्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपका आइंदा मुस्तकबिल के अंदर पैगाम वेलफेयर के साथ कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं कि जो आप चाहते हैं कि जनाब अली ये आवाम के लिए आप मेडिकल के हवाले से लेके आ रहे हैं? सर बिल्कुल मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तानी आवाम के लिए बिलखसूस, और के हम ऐसी चीज़ें करें जो शायद इससे पहले ना हुई हों। उसमें हमारे जहन में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम है हमारा कंजेनाइटल डिजीज़ जो बच्चों में होती है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। कंजेनाइटल ये होता है कि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कभी श्रिंकन किडनी होता है, कभी दिल में सुराख होता है, कभी इम्परफोरेटेड एनस होता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, बाकायदा हम उस पर काम कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब इसकी यूँ मिसाल यूँ देता ना सिर्फ आपको कि एक खातून प्रेग्नेंट है, उनका एक बच्चा है, वो एकदम गिर गया और घबराहट में वो चली गई एक्सपोजर में एक्सरे कराने। एक्सरे जो है नहीं होना चाहिए, लिखा होता है आपने खुद पढ़ा होगा कि हामला औरत को अलाउ नहीं है एक्सरे रूम। ये गलतियाँ होती हैं, ये माइनर मिस्टेक का रिजल्ट कहाँ आता है, उस बच्चे में जो पैदा होता है। ये एक ठीक प्रोजेक्ट तो है, हमारा ये है। सेकेंडली हीट स्ट्रोक, तो खैर वो सभी उस पर काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। फिर हम आएंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना, खास तौर पे मैडम और मेरा डिस्कस रहता है पैगाम वेलफेयर के हवाले से, आती रहती हैं जाहिर खवातीन आती हैं, इनको बोलती हैं, ये मुझसे डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर साहब खवातीन की बहुत बीमारियां हमारे यहाँ, अच्छा हाइजीन के हवाले से खवातीन दस जो हैं सवाल हो सकते हैं। डिस्कस करती हुई भी मेरा ख्याल है अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं, इसलिए डॉक्टर से खुल के डिस्कस भी नहीं कर पाती। उनको करना चाहिए,
देखिए, एक इंसान को तकलीफ है तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए, उसका कोई ट्रीटमेंट बताएगा। या डॉक्टर को नहीं बता सकती तो अपनी बड़ी बहन को बताएं घर में, अपनी वालदा को बताएं, वो हमें कम्युनिकेट करे, हम अपने फीमेल डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से ले जाएं, जरा सा केस डिस्कस करें, जाके फॉरन डेडी डॉक्टर को दिखाएं, उनसे दवाई तजवीज़ कीजिए। अब बहुत केयरलेसनेस तो इस सिलसिले में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? इस सिलसिले में हम पूरे ब्लोशर छापेंगे, पॉम्फलेट छापेंगे कि जो बिफोर मैरिज खवातीन का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, उनको विटामिन सी लेना चाहिए, उसके बाद आफ्टर मैरिज उनका क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में क्या उनका होना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये आपने इसका कोई चार्ट वगैरह क्या अभी ये हम इसको उस तश्कील दे रहे हैं ब्लूशर की शक्ल में, सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से होंगी, खवातीन एजुकेशन और जो दूसरे प्रोग्राम है पैगाम वेलफेयर के, वो मैडम उसका आप डाटा कलेक्ट करके ब्रोशर की शक्ल में ला रही हैं। बाकी हेल्थ के हवाले से इंशाल्लाह मैं अपडेट करूंगा, ना सिर्फ आवाम तक ये चीज़ जाएगी बाय पॉम्फलेट्स बल्कि मीडिया के लोगों को, तमाम लोगों को दूंगा ताकि वो अवेयरनेस को। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बच्चों के ऊपर बताया है कि बच्चों के ऊपर आपकी वर्किंग और आपकी बड़ी गहरी नज़र है, ये बताएं कि ये बच्चों के अंदर इस टाइम पे कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि फौरन सामने नहीं आती और बाद में इनका बड़ा नुकसानदेह साबित होती हैं? देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिफोर बर्थ डायग्नोस नहीं हो पाती, ठीक है, इतना हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, और बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे, वो रेगुलर MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास कंसल्टेंट तक रसाई नहीं है बहुत से लोगों की, क्योंकि कंसल्टेंट्स हमारे पाकिस्तान के इंतहाई नायाब हैं और इंतहाई अच्छे कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास जो डिजीज़ को पकड़ लेते हैं। होता यह है कि वो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेता रहता है, उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाता है ना, जब वो, बल्कि बाज़ माओं को तो मेरे पास ऐसे आई, 2-3 दिन के बाद आई, बोली डॉक्टर साहब बच्चे का पेट फूला हुआ है, इसने पॉटी नहीं की। जब उसको एग्जामिन किया पता चला कि तो इम्परफेक्टेड एनस का केस है। फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आई, नेफ्रोटिक, बहुत सारी बीमारियों को अवाम नास तो इन चीज़ों को इतना यही देखेंगे। मेरी ये दरख्वास्त है अपनी माओ बहनों से कि बच्चों में अगर ज़रा सी भी कोई तकलीफ देखें ना, ज़रा सी भी अबनॉर्मलिटी देखें, देखिए बच्चा उसी वक्त रोता है जब वो बीमार होता है या उसको भूख लगी होती है या उसको कोई तकलीफ हो रही होती है, तीसरा कोई रीज़न नहीं है उसके रोने का। तो मेरी अपनी बहनों से ये दरख्वास्त है कि ज़रा सी भी कोई चेंज देखें उसमें और फौरी तौर पे वो अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसर्न करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसा कि आपने बताया, ये बताएं कि बच्चों को डाइट के अंदर, छोटे बच्चों को जो है ना, क्या चीज़ें रखनी चाहिए माओं को? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना बच्चे के लिए, वो माँ का दूध है। माँ के दूध से अच्छी कोई डाइट नहीं है, सही है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, दूध नहीं है, तो फिर उसको हर वो चीज़ देनी चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो। सबसे पहले तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से, जो पीड्स के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें, उसका डाइट चार्ट बनाएं, फिर बच्चे की एज के साथ साथ उसको चीज़ें देते रहें। सीरियलैक भी ऐड होता है, फिर और दूसरी चीज़ें भी ऐड होती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत हमने आवाम के बारे में जो डिस्कस की, डॉक्टर आसिफ नवाज़ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम फिज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम चमकते सितारों में हाजिर हुए, आप भी हमारे चमकते सितारे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि हम मज़ीद तफसील से ख़वातीन और बच्चों के बारे में आपसे डिस्कस करें फिर किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे वक्त। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर हसीब नवाज़ खान साहब और मैडम फिज़ा मौजूद थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर अपने दूसरे मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हसीब नवाज़ खान साहब को दोबारा हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और इनसे मुफीद मशवरे लेके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे नासिर कमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।